अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी पकोड़ों की रेसिपी। उसके लिए पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। उसके एक पाव मैं उसमें बेसन यूज़ कर रही हूँ, आधा किलो आलू, इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, 3 मीडियम साइज़ की प्याज, 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 प्याली हरा धनिया, आप इसमें पालक के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं बारीक बारीक कट करके, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 चुटकी बेकिंग सोडा, 10 अदद हरी मिर्च एंड 1 टेबलस्पून नमक। सबसे पहले मैं एक बाउल लूँगी, उसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी। फिर प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, सुरख मिर्च, नमक, बेकिंग सोडा, साबुत ज़ीरा और लास्ट में हम इस पे बेसन ऐड करेंगे। अब इस मटर के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। एक पाव मैंने बेसन इसमें पहले ऐड किया था, बेसन मुझे इसमें थोड़ा कम लगा है, इसके अंदर मैं 1/2 प्याली और बेसन ऐड करूँगी और इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है हाथ से। पकोड़ों का अमेजा बनके तैयार है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे कुकिंग ऑयल में। नॉनस्टिक पैन में मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, इसके नीचे हाई फ्लेम ऑन है। कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसके अंदर पकौड़ों का अमेजा डाल दूंगी। अब इसे फ्राई होने के लिए हम थोड़ी देर के लिए कुकिंग ऑयल में छोड़ देंगे। फ्लेम हम इसके नीचे मीडियम कर देंगे। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ताकि ये दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाए थोड़े से। ख्याल रखना है इसका कि जल नहीं जाए नीचे से। पकौड़े दूसरी साइड से भी अच्छे से पक चुके हैं, ये देखें। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह हम सारे पकौड़ों का मेज़ा कुकिंग ऑयल में डाल के जैसे हमने पहले बनाए हैं वैसे पकौड़े बना लेंगे। मज़ेदार पकौड़ों की रेसिपी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।